होली त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कोरबा के रामपुर सिविल लाइन थाना कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक उदय किरण के निर्देश पर सिविल लाइन रामपुर थाना और कोरबा कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर सिविल लाइन थाना और कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड पार्षद और गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए, जहां सभी लोगों को शांतिपूर्वक एवं सौहार्द्य पूर्वक त्यौहार मनाने के लिए अपील की गई। अगर कोई तीन सवारी गाड़ी पर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना था पुलिस का। होली त्योहार के मद्देनजर असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटने की भी बात इस दौरान कही गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज सिविल लाइन रामपुर क्षेत्र में गणमान्य नागरिकों और रामपुर क्षेत्र के पार्षदों की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी गणमान्य नागरिकों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार के आप उनके क्षेत्र में शराब पी करके गुड़दान ना करें, शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाएं। होली के त्यौहार के एक दिन पहले होली त्यौहार के दिन में किसी प्रकार से शराब पी करके हुड़दंग करने वाले और वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उनको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस की कार्रवाई हो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आम जनता लोगों से अपील है कि होली का त्यौहार शांतिपूर्वक सद्भावना से मनाएं, किसी भी प्रकार की अपनी घटना घटित ना हो पाए।